नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे सुपर 100 एग्जाम फॉर्म 2023 के जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म आप कैसे ऑनलाइन करोगे, इसमें आप कौन से दस्तावेज लगेंगे और इसमें कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, कौन से स्कूल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के द्वारा सुपर 100 योजना 2023 के जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें mpsos.mponline.gov.in ये वाले पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल से दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि आप अपना रुक जाना नहीं का फॉर्म कैसे फिल करोगे, वही वाले पोर्टल पर आना है। साथ ही दोस्तों, ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर अपना आवेदन फॉर्म फिल कर सके। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में हमें सिंपल से सर्विस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन खुलकर सामने आएंगे, जिसमें श्रमोदय एग्ज़ाम 2023-24, CBSE ऑन डिमांड एग्ज़ाम, उसके बाद में थर्ड नंबर पर सुपर 100 एग्ज़ाम फॉर्म 2023 का एक लिंक दिख रहा है, जिसके अंतिम दिनांक 15/6/2023 रहेगी। तो यहाँ पर जैसे फिल फॉर्म का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ये वाली लिंक पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा। सुपर 100 एग्जामिनेशन फॉर्म 2023। सुपर 100 आवेदन फॉर्म में केवल MPBSC से के कक्षा 10वीं में पास वाले छात्र छात्रा पात्र होंगे, केवल शासकीय विद्यालय से उत्तीर्ण। तो दोस्तों, सुपर 100 आवेदन फॉर्म भरने के लिए कक्षा 10वीं MP बोर्ड से उत्तीर्ण छात्र, इसमें परसेंटेज की कोई तो दोस्तों इसमें आपको परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। इसमें आपको MP बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण, किसी भी कितने भी परसेंटेज से आप उत्तीर्ण हो तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन केवल गवर्नमेंट स्कूल से उत्तीर्ण छात्र, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्रा ही इसमें आवेदन कर सकते। यदि प्राइवेट स्कूल के अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे तो वो उसके लिए पात्र नहीं रहेंगे और आवेदन भी नहीं कर पाओगे। तो कक्षा 10वीं के जो भी आपके रोल नंबर है, वो रोल नंबर यहाँ पर देना है, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से सुपर 100 एग्जाम फॉर्म खुलकर सामने आएगा, जिसमें व्यक्तिगत विवरण में आवेदक का नाम, छात्र छात्रा का नाम, MP बोर्ड के रोल नंबर, पिता पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मीडियम, ये सारी जानकारी आपकी MP बोर्ड के अनुसार ऑटोमेटिक फिल होकर आएगी। आपको इसमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आपको कैटेगरी का चयन करना, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी का चयन कर ले। ये हम आपको डेमो जानकारी दिखा रहे, इसलिए दोस्तों आपकी जो भी कैटेगरी, जो भी जानकारी, उसके अनुसार आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर, उसका चयन कर ले। उसके बाद में मध्य प्रदेश के मूल निवासी, यस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यदि आपके पास BPL कार्ड है तो आप यस को सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में यदि आप विकलांग है तो यस को सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में परीक्षा विवरण, तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो आप कक्षा 11वीं में कौन से सब्जेक्ट स्ट्रीम में अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो मैथ्स, कॉमर्स या बायो, कौन सी स्ट्रीम से कक्षा 11वीं में अध्ययन करना चाहोगे उसका आपको चयन कर लेना है। जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको पढ़ना है, वो सब्जेक्ट का चयन कर ले। उसके बाद में दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विथ प्रिफ्रेंस, यानी कि आप कक्षा 11वीं, यानी कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं साथ में, तो उसकी तैयारी भी आप इसमें कर पाओगे। तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आप JEE, CLAT, NET, जिसके लिए भी आपको तैयारी करनी है, वो वाले सब्जेक्ट, ये आप पर डिपेंड है, आप कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं उसका चयन कर लेना है। तो ये आप आपके अनुसार आप चयन कर ले। उसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर एस पर एग्ज़ाम MPBSC एग्ज़ाम, तो दोस्तों आपको जो परीक्षा केंद्र है इसका सुपर 100 का, वही परीक्षा केंद्र मिलेगा जहाँ से आपने कक्षा 10वीं MP बोर्ड से जिस जिले से की है, उसी जिले का आपको परीक्षा केंद्र मिलेगा। यह आप अपने हिसाब से सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों ये ऑटोमेटिक फिल होकर आएगा। उसके बाद में प्रिफ्रेंस ऑफ स्कूल, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको शासकीय मल्लार आश्रम उमावी इंदौर या शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उमावी भोपाल, ये दो स्कूलों में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको जो भी उचित लगे, जिस भी स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, उसको आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर केवल अपना, माता पिता अथवा निकटतम किसी परिजन का हो
का ही देवे। आवेदक को विभाग द्वारा आवश्यक सूचना जानकारी SMS दूरभाष के माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दोगे वो अपने माता पिता या अपने स्वयं का देना है, उसके बाद में ईमेल ID देनी है, फोटो और सिग्नेचर जो भी बच्चे की MP बोर्ड के फॉर्म भरते समय थी वो फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में स्क्रॉल कर हमें नीचे आना है, उसके बाद में आपको घोषणा पत्र पर क्लिक करना है और सिंपल से सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करोगे तो दोस्तों जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर भुगतान विवरण दिखेगा, जिसमें फीस अमाउंट, पोर्टल चार्ज और टोटल अमाउंट कुछ इस तरीके से आपको फीस भुगतान करना है। और जैसे आप प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करोगे, जो भी आपका MP ऑनलाइन कियोस्क है उसका आपको कियोस्क ID लॉगिन ID पासवर्ड से इसका पेमेंट भुगतान कर लेना है। और पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है, ताकि जब इसकी एग्ज़ाम होगी तो जो इसका एडमिट कार्ड है दोस्तों वो इसी रिसिप्ट के माध्यम से आपको प्राप्त होगा, इसलिए ये रिसिप्ट आप सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख ले। तो दोस्तों इस तरीके से सुपर 100 2023 के जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म इस तरीके से फिल करना है, और आवेदन फिल करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।